भले ही टीम इंडिया को अफ्रीका के हाथों पहले वनडे मुकाबले में हार मिली हो, लेकिन संजू सैमसन ने हजारों किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया में बैठे रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ का ध्यान जरूर अपनी ओर खींच लिया। अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में संजू सैमसन ने 63 गेंदों पर नाबाद 86 रन की पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 9 चौके और 3 सिक्स भी लगाए। भले ही संजू टीम इंडिया को जीत नहीं दिला पाए हों, लेकिन उनकी इस पारी से टीम जीत के करीब जरूर पहुंची। अगर दूसरी ओर से उन्हें थोड़ा सा साथ और मिलता तो भारतीय टीम रन चेज भी जरूर पूरा कर लेती। खैर, लखनऊ में तूफानी पारी से संजू सैमसन ने विराट और MS धोनी जैसे दिग्गज भारतीय खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है। भारत के लिए कम से कम 7 वनडे मैच में सबसे ज्यादा बल्लेबाजी औसत अब संजू के नाम है। संजू का करियर बैटिंग एवरेज 65.50 का है, जबकि 62.75 की औसत के साथ शुभमन गिल इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। तो वही विराट कोहली 57.68 के औसत के साथ तीसरे नंबर पर हैं और MS धोनी 50.23 की औसत के साथ चौथे नंबर पर। संजू ने पहले वनडे में शानदार टेम्परामेंट के साथ बल्लेबाजी की। जब टॉप ऑर्डर बुरी तरह से फेल हुआ तो संजू ने लोअर मिडिल ऑर्डर में टीम की साख बचाई। भले ही इस बार वो टीम को जीत दिलाने में फेल हुए हो, लेकिन ऐसी पारियों से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इस पारी से सीख लेकर भविष्य में मुश्किल परिस्थिति से भी टीम को निकाल कर जीत दिलाने में कामयाब होंगे।